हेलो गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न इन जीके चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर एंड इट्स पार्ट्स। वी नो दैट अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट परफॉर्म्स 4 मेन फंक्शंस। आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वो मेनली 4 फंक्शन में काम करती है। 4 फंक्शन कौन से हैं? इट रिसीव्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस एज इनपुट, प्रोसेसेस डेटा अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस, आफ्टर प्रोसेसिंग गिव्स यूजफुल आउटपुट फॉर डिस्प्ले। द आउटपुट कैन ऑल्सो स्टोर्ड ऑन स्टोरेज डिवाइसेस फॉर फ्यूचर यूज। क्या है, आपको पहले डेटा एंटर करना है, फिर उसके ऊपर प्रोसेस होती है, उसका आपको फाइनल रिजल्ट मिलता है और आप इसको फ्यूचर में यूज़ करने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। बेस्ड ऑन द फंक्शन दे परफॉर्म कंप्यूटर हार्डवेयर आर ऑफ 4 मेन टाइप्स। कंप्यूटर हार्डवेयर के क्या है? 4 मेन टाइप्स हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड द मेमोरी डिवाइसेस। डिवाइसेस हियर इंक्लूड्स बोथ द मेन मेमोरी एंड द स्टोरेज डिवाइसेस। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द वेरियस हार्डवेयर डिवाइसेस विच हेल्प द कंप्यूटर टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। ऑल इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस एंड स्टोरेज drives are also known as peripheral devices. Input devices, the devices that help us to enter information in the computer are called input devices. Some common input devices are shown in the following table. जो input devices हैं उनके बारे में आपको नीचे टेबल में जानकारी दी गई है, जिसके थ्रू आप डेटा एंटर कर सकते हैं कंप्यूटर में। माउस, माइक्रोफोन, वेबकैम, स्कैनर, जॉयस्टिक। माउस, इट लेट्स यू एंटर इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर बाय पॉइंटिंग और क्लिकिंग के थ्रू आप डेटा को एंटर कर सकते हैं माउस के द्वारा। इट हेल्प्स यू। माइक्रोफोन, इट हेल्प्स यू टू एंटर योर वॉइस और एनी अदर साउंड इनटू द कंप्यूटर। आप आवाज़ या कोई भी साउंड को एंटर करने के लिए माइक्रोफोन यूज़ कर सकते हैं। वेबकैम, यूजिंग इट यू कैन इनपुट स्टिल पिक्चर्स एंड वीडियोस विच कैन देन बी ब्रॉडकास्ट एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू दुनिया में किसी भी जगह पे आप पिक्चर्स और वीडियोस को डेटा के स्वरूप में एंटर कर सकते हैं वेबकैम के थ्रू। स्कैनर, इट स्कैन्स एंड इनपुट्स टेक्स्ट एंड इमेजेस प्रिंटेड ऑन पेपर ऑन द इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर में से जो डेटा है उसको आप इमेजेस को पेपर में पा सकते हैं स्कैनर के द्वारा। इट इनपुट्स द फिजिकल मूवमेंट्स ऑफ द स्टिक इनटू द कंप्यूटर। डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस हेल्प टू एंटर इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर इन डिफरेंट फॉर्म्स। द एग्जांपल, वी यूज अ कीबोर्ड टू एंटर इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म एंड टेक्स्ट फॉर्म, और टेक्स्ट के रूप में इंफॉर्मेशन या डेटा को एंटर करने के लिए हम माउस यूज़ करते हैं। यूजिंग अ माइक्रोफोन वी कैन एंटर वॉइस एंड साउंड इनटू द कंप्यूटर। माइक्रोफोन के यूज़ से आप साउंड, आवाज़ या म्यूजिक को ऐड कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज। कंप्यूटर हमारी भाषा को समझता नहीं है। इनपुट डिवाइसेस कन्वर्ट अवर इनपुट्स इनटू अ फॉर्म दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। इनपुट डिवाइसेस जो होते हैं वो हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर के लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको समझाते हैं। मोर इनपुट डिवाइसेस, टच स्क्रीन। अ
A touch screen is a touch sensitive computer display screen. Users can touch items such as pictures and words displayed on the touch screen to input data into the computer. Touch screen जो है आप उसमें pictures, words को touch कर सकते हैं. Since a touch screen also displays the output information, it is considered as an input. कम आउटपुट डिवाइसेस, टच स्क्रीन जो डिवाइसेस होते हैं वो आप इनपुट भी कह सकते हैं, उनको आउटपुट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं. मैनी मॉडर्न डिवाइसेस इंक्लूडिंग टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स यूज द टच स्क्रीन एज देयर प्राइमरी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. प्राइमरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के रूप में आप क्या क्या यूज़ करते हैं? टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स. डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा टेक्स पिक्चर्स एंड स्टोर्स दैम in its memory in a digital form. The pictures taken by a digital camera can be transferred into the computer by connecting it to the computer through the data cable. Data cable के through आप क्या कर सकते हैं? Digital camera के द्वारा pictures enter कर सकते हैं अंदर और store भी कर सकते हैं computer में. Digital camcorder, a digital camcorder is a device that can be used to record videos in a digital format and put them into the computer. Some digital camcorders can take still pictures as well. Digital camcorder को आप video के video enter करने के लिए भी use कर सकते हैं और pictures भी enter कर सकते हैं. Touchpad is a touch sensitive surface provided in a laptop computer as a replacement for mouse. Mouse के replacement में आप laptop में use करते हैं touchpad को. We can move our fingers on the touchpad to move the pointer in the same direction. Graphics tablet. A graphic tablet comes with a pen like equipment known as a stylus. Using the stylus, we can drawing images on the tablet and input into the computer. Stylus को use करके हम tablet में picture images draw कर सकते हैं और उसको हम computer में enter कर सकते हैं. MIDI keyboard, a musical instrument digital interface keyboard is a piano. MIDI keyboard piano है, like musical instrument that can be connected to the computer for creating and entering musical notes into the computer. कंप्यूटर में म्यूजिकल नोट्स एंटर करने के लिए हम मिडी कीबोर्ड मतलब पियानो का यूज़ कर सकते हैं. 3D scanner, अ 3D scanner इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्कैनर दैट कैन बी यूज टू स्कैन रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स. डेटा ऑब्टेन फ्रॉम स्कैनिंग इज इनपुट इनटू अ कंप्यूटर एंड कैन बी यूज फॉर मेकिंग फिजिकल मॉडल्स ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स. फिजिकल मॉडल्स बनाने में हम 3D scanners यूज़ कर सकते हैं. अब नेक्स्ट टाइम हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे.